चौंकिएगा मत, मेरे लगे हुए पीछे पोस्टर को देखकर हो सकता है आपको ये लगे कि क्या मोदी जी खुद ही विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसे ही पोस्टर जिस पर आदमकद फोटो मोदी जी की और ढूंढो तो जाने मामा जी की पूरे मध्य प्रदेश में लगाई गई है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि 18 साल के कुशासन के बाद मोदी जी का चेहरा लग जाएगा और बात बन जाएगी, लेकिन बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यही कुछ हुआ था हिमाचल में और ऐसा ही सेम हुआ था कर्नाटका में, लेकिन वहां पर जनता ने कुशासन का मुंह तोड़ जवाब दिया था और कांग्रेस की प्रचंड जीत हासिल कराई थी। और यही कुछ होगा मध्य प्रदेश में भी। 18 साल में जो घोटाले हुए हैं, जो बेरोजगारी हुई है, जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, जो युवाओं के हक का और भविष्य का हनन हुआ है, उसका जवाब जनता इस बार सूद समेत जरूर देगी। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है एमपी के मन में मोदी, अब उसको बढ़ाकर मामा जी ने लगा दिया मोदी के मन में मामा, लेकिन असलियत तो ये है कि मंच पर बैठे हुए शिवराज जी का नाम भी मोदी जी नहीं लेते हैं। हमारी तरफ एक कहावत है, मोर पिया मोर नाम, न पूछे मोर सुहागन नाम। तो असलियत ये है कि एमपी की जनता मन बना चुकी है, वो जानती है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो अपना वचन अपने वादे पूरी करेगी, और कांग्रेस ने हर तबके हर वर्ग हर समुदाय के लिए वचन दिया है। हमने किसानों को वचन दिया है, महिलाओं को वचन दिया है, युवाओं को वचन दिया है। हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में खुशहाली लौटेगी और 18 साल का कुशासन खत्म होगा। इस फोटो को देखकर हो सकता है आप भ्रमित हो कि कहीं मोदी जी मुहा तो नहीं गए और विधानसभा चुनाव लड़ने तो नहीं आ गए, लेकिन ये जो भाजपा की गलतफहमी है इसका कर्नाटका ने और हिमाचल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मध्य प्रदेश भी इस पर मोहर जरूर लगाएगा।